हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग A13 फ़ोन में आप लोग स्क्रीनशॉट को कैसे ले सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग A13 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को स्क्रीनशॉट को लेना है, या पर जो आपको स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल गई गाइस, अभी जो है आप लोगों को उसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, तो कैसे आप लोग इस फ़ोन में जो है स्क्रीनशॉट को ले सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर जो पावर बटन है, देख सकते हैं यहाँ पर पावर बटन है और वॉल्यूम डाउन बटन है, जिससे आप लोग वॉल्यूम कम करते हो, तो दोनों को एक साथ में पकड़ के एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करते आपके फ़ोन में जो है स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इस फ़ोन में आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिर्फ यही इसी को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे फ़ोनों में होता है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, या थ्री फिंगर ऐसे डिस्प्ले में टच करने से भी आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाता है, लेकिन इस फ़ोन में जो है मतलब सैमसंग के फ़ोन में आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट को नहीं ले सकते। यहाँ पर सिर्फ एक ही फीचर्स होता है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन। दोनों को एक साथ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट को एडिट भी कर सकते हो। देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेते ही यहाँ पर एक टूल बार आ जाता है स्क्रीनशॉट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा। तो अगर टूल बार पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्क्रीनशॉट आप लोग लोगे वो शो हो जाएगा, और यहाँ पर से आप लोग स्क्रीनशॉट को क्रॉप भी कर सकते हो, जितना चाहिए स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हो। उसके बाद रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर से जो है आप लोग साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर से एडिट भी कर सकते हो, देख सकते यहाँ पर से इसको कुछ इस तरीके से एडिट करके भी आप लोग सेव कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो आप लोग अपने सैमसंग A13 फ़ोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।